सो मैं आ गई हूँ माना विलेज, जो इंडिया का आखिरी विलेज है। यहाँ से 64 किलोमीटर की दूरी पे है चाइना। सो आपको दिखाती हूँ ये ब्यूटीफुल विलेज। काफी क्यूट सा डॉग है ये, जो मुझे माना विलेज में दिखा। हेलो एवरीवन, सो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है गणेश गुफा, जो माना विलेज में है। सो इधर जो है व्यास जी ने जो है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से गणेश जी को निवेदन किया था कि आप महाभारत लिखोगे क्या। सो इसी वो जगह पे है जो जहाँ पे गणेश जी ने स्वयं अपने हाथों से महाभारत लिखा गया। ये क्या है? लेकिन धूप है, धूप धूप जो भगवान को लगाते हैं, ये बनाएंगे उसका। ओके ओके, ये अपने आप हाथों से बनाते हो? हाँ। और इसमें क्या डालते हो? जंगल से जड़ी बूटी होती है इसकी। ओके, सो जंगल से जड़ी बूटी लेके जो है यहाँ पे ये जो गांव की महिलाएं हैं यहाँ पे वो धूप बनाते हैं, बराबर? हाँ। और फिर ये जाता है बद्रीनाथ में। हाँ, और ऐसे कैसे कूट के बनाते हो क्या? कूटते हैं तब फिर वो करेंगे। ओके ओके, आटा जैसा इसमें कूटते हो? वो आटा कूटते, आटा गून जानता है। हाँ, आटा आटा जैसे आटा गूनते हैं। हाँ, वैसे इसको गूनेंगे, गूनेंगे इसको। ओके ओके ओके, सो अभी मैं आपको समझी। ओके, सो ये है जो जंगलों में से जड़ी बूटी लाती है गाँव की सब महिलाएं, और फिर इसमें डालते हैं, उसको कूटते हैं, सुखाते हैं, कूटते हैं, और फिर इसको जो है अपन जैसे कि रोटी का आटा गूंथते हैं वैसे आटा गूंथेंगे यहाँ पे, और फिर उसके धूप बनाएंगे, बराबर? और फिर वो जाता है बद्रीनाथ के मंदिर में। बाय बाय। सो ऐसा था गांव का कल्चर, जो ठंड में है ये सब जाएंगे जोशीमठ चमोली। सो अभी मैं आई हूँ माना विलेज के व्यास गुफा में। एक्चुअली अंदर जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको अंदर की गुफा नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन इसका महात्मा जो है वो ऐसा है कि यहीं पे जो है श्रीमद् भगवान पुराण लिखा गया था व्यास जी के द्वारा। इंडिया फेमस है अपनी चाय के लिए। यहाँ पे हर आधे घंटे के बाद लोगों को है वो चाय लगती ही है, और ऐसी जगह जहाँ पे ठंडी का मौसम हो, स्नो हो, तो हम खास जो है लोगों को चाय लगती है। सो अभी मैं जो हूँ वो माना विलेज में हूँ, एक चाय की दुकान पे, जो है भारत की सबसे आखिरी चाय की दुकान। सो इंजॉय कर रही हूँ चाय, गर्मा गर्म चाय। और आपको दिखाती हूँ ये आखिरी चाय की दुकान। सो ये है भारत की आखिरी चाय की दुकान।
ठंड तो बहुत है और मैं भी चाय इंजॉय कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, सो अभी मैं आ गई हूँ थीम पूल। मेरे पीछे जो आप ये जो दोस्त आप स्टोन देख रहे हो, इसे कहा जाता है थीम पूल। और इसके पीछे से जो नदी आ रही है वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उगम जो है, उगम स्थान, वो इसी थीम पूल से, माना विलेज से हुआ था। सो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा माना जाता है कि 5 पांडव जो है, ये आगे जो आपको रास्ता दिख रहा है आगे की ओर, सो 5 पांडव जो है इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। और अभी भी जो है यहाँ पे स्वर्गारोहिणी ट्रैक करके है, जो कि काफ़ी फेमस ट्रैक है, वो ऑपरेट किया जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही कम जो गिने चुने लोग हैं वो ही एक तपोवन लेक तक के जा सकते हैं। उसके आगे जो है आपको प्रोफेशनल ही लगते हैं स्वर्गारोहिणी ट्रैक करने के लिए। सो ऑलमोस्ट ये 2 नाइट 3 डेज़ या फिर यस 2 नाइट 3 डेज़ का ये ट्रैक है जो स्वर्गारोहिणी ट्रैक के नाम से फेमस है। और यस काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। So, अभी मैं जा रही हूँ सरस्वती जो टेम्पल है यहाँ पे, उसका दर्शन करने के लिए।